हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे को क्या हुआ है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद उनको वेटिंग लिस्ट में नाम है, वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बाद उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, या उनका अगर जनरल में भी नाम है तो उन्होंने अच्छे तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया, कि उनको वो सीट्स नहीं मिल पाई। और जनरल में रहने के मतलब कि सिलेक्टेड लिस्ट में रहने के बावजूद भी उनको सीट नहीं मिल पाया। तो आखिर ये क्यों हुआ, क्या रीजन थे, क्या आखिर उनका सिलेक्शन हुआ बट उनका लिस्ट में नाम नहीं था। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि क्या है कि बीएससी के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, और आपको पता ही है कि एमयू में क्या कहा गया है कि दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना है एंड ऑल दिस, ये सारी चीजें उठ कर आई है। तो जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बीए का मैं फॉर्म को मैं आपको एडिट करके बताऊंगा कि आखिर आपको क्या चीज को सही करना है, सो डेट कि आपको वहां पे एडमिशंस मिल जाए। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मॉडिफाई सेक्शन में मैं जा रहा हूँ। मॉडिफाई सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बीए सोशियोलॉजी, बीए पॉलिटिकल, बीए इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट को चूज करके रखा है। कुछ बच्चे वैसे भी हैं जिन्होंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे बीए उर्दू है, अरबिक है, इन सबको उन्होंने लिया ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर मैं लेने जाऊँ बीए उर्दू, इसका मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, बीए अरबिक कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर उनकी सिलेक्टेड लिस्ट में है, इवन आफ्टर अगर उनका सब्जेक्ट जो उन्होंने चूज किया, मतलब यहाँ पे चार पांच ही अगर उन्होंने चूज किया है, और उस चार पांच में अगर उनका नाम नहीं है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो चार पांच या 10 में से अगर उनके उस सब्जेक्ट में अगर उनके उस हिसाब के रैंक नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनको सीट्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जब उनको सीट्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी, देन आफ्टर दे विल सफर कि आखिर सर क्यों आखिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, मेरा तो सिलेक्टेड लिस्ट में था एंड ऑल था, ये था वो था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि इस साइड से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आप वहां पे फिल कर दें, और कोई भी आप गलती ना करें वहां पर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितने भी लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आपको चूज करना है। ये नहीं करना है कि आप उस पार्ट को आप छोड़ दोगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर्ड किए जा रहे हैं उन सभी को आप चूज करो। कभी भी ऐसा मत करो कि हाँ आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं लेना है, हम छोड़ देते हैं, क्या मतलब है, इस सब्जेक्ट से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज की हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अगर आपने ये सारी चीजें कर भी दी है, इवन आफ्टर क्या है कि आपको पसंद के सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे, तो इस पसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चाहिए वो आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या अपने इस पे सेटिंग करनी होगी, तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।